सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो जो भी बच्चे मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं उन्हीं को जो है उन्हीं के बारे में जो है बात करने वाला हूं कि उनका एग्ज़ाम डेट कब है और एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगा। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक जो है मिलिट्री स्कूल का जो एडमिशन प्रोसेस है फॉर्म फिलअप का, वो अभी तक चल रहा है। ठीक है, फॉर्म जो है अभी तक चल रहा है, अभी तक जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट नवम्बर तक है, नवम्बर लास्ट वीक में जो है इसका लास्ट डेट जो है तब तक है। उसके बाद जो है दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। सो गाइज, इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है, और एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है मिलिट्री स्कूल के तरफ से, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं और वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो सबसे पहले मैंने अभी ओपन कर रखा है मिलिट्री स्कूल का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे शुरू में ही लिखा रहता है नोट में कि फॉर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन वैकेंसी एलिजिबिलिटी एंड काइंडली कॉन्टैक्ट रिस्पेक्टिव स्कूल डायरेक्टली। यानी कि आप अगर मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा कि टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स है इंडिया में। ठीक है, आरएमएस अजमेर, आरएमएस धौलपुर और भी जो भी बच्चे हैं 3, वो सारे हैं। ठीक है, तो अगर आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो कोई पर्टिकुलर एक स्कूल के लिए आपको फ़िलअप करना रहता है। मान लीजिए आप आरएमएस बेंगलोर या बेलगम के लिए फ़िलअप कर रहे हैं, तो आप जो है उस मिलिट्री स्कूल के जो साइट है उस पे जाएं और वहाँ से आप यहाँ से भी जो है फ़ोन नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसे आप नोट करके और वहाँ पे बात कर सकते हैं, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना है, एडमिशन प्रोसेस जानना है। हालांकि मैं इस वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा कर दूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, वैकेंसी कितना होगा और जो है एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो एडमिशन प्रोसेस सिंपली सभी लोग जानते हैं कि एडमिशन जो है पांचों स्कूल में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है, वो है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्लास सिक्स और क्लास नाइन दोनों के लिए ये हेल्ड कंडक्ट करवाया जाता है। हर बार मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन और क्लास सिक्स एंड नाइन हेल्ड इन दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर में हर बार कंडक्ट करवाया जाता है, दिसंबर के सेकेंड या फर्स्ट वीक तक कंडक्ट करवा दिया जाता है। और उसके बाद इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेने के बाद, कट ऑफ को क्रैक कर लेने के बाद आपका जो है इंटरव्यू होता है और मेडिकल टेस्ट होता है। जब इन दोनों में भी अगर कोई बच्चा क्वालिफाई कर जाता है तब फाइनली जो है उसका मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो पाता है। ठीक है, और मिलिट्री स्कूल की वैकेंसीज़ की बात करें तो वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लाऊँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ नोट किया हुआ है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा मिलिट्री स्कूल का, एग्ज़ाम कब होगा 2024 न्यू सेशन के लिए। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है हर साल दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है। हालांकि अभी तक जो है एग्ज़ाम डेट रिलीज़ नहीं हुआ है, तो दिसंबर में सेकेंड या थर्ड वीक तक जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया दिया जाएगा, और उससे पहले जो है एडमिट कार्ड ज़रूर रिलीज़ हो जाएगा, एक वीक पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। अभी फ़िलहाल जो है फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो अभी आपको सिंपली फॉर्म फिलअप करना है, अच्छे से कोई भी गलती नहीं करना है। अगर कोई मिस्टेक हो भी जाता है तो फर्दर जो है कुछ दिन बाद जो है करेक्शन पोर्टल जो है ओपन हो जाता है, तो उससे आप जो है आप अपने एडमिशन फॉर्म फिलअप करते समय जो गलती हुआ है उसे आप सही कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, उसी टाइम पे एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आपका जो है एडमिशन फर्दर मेडिकल प्रोसेस के थ्रू और इंटरव्यू के थ्रू हो जाएगा। तो मेडिकल एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करें, इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें, ये सब बात की चीज़ है, ये मैं एग्ज़ाम के बाद जो है अपलोड करूँगा इस पर वीडियोज़, और कट ऑफ के बारे में भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ठीक है, तो गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना था मुझे, और कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं उसे वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा।